जब कभी भी आप रेलवे से सफर करते हैं तो क्या आपने कभी अपनी वेटिंग टिकट को ध्यान से देखा है? तो आपको ये जरूर पता होगा कि रेलवे में GNWL, RLWL जैसे कई कोड दिखते हैं। तो ये जानते हैं वेटिंग टिकट पर दिखने वाले इन कोड्स का क्या मतलब होता है। इन सभी वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चेंजेस अलग अलग होते हैं, तो ये जानते हैं इस बारे में विस्तार से हमारी वीडियो में आगे। देखिए, अगर आपको RAC टिकट इशू हुआ है तो इसका मतलब ये है कि टिकट कंफर्म ना होने पर भी आप सफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बर्थ को दो लोगों में बांटा जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपको बैठने की जगह तो मिलेगी लेकिन चैन से सोने की जगह नहीं मिलेगी। RAC टिकट के कंफर्म होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फिर है GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट। ये वेटिंग लिस्ट में सबसे कॉमन कोड होता है GNWL। ये टिकट ट्रेन जहाँ से शुरू होती है उस स्टेशन के लिए जारी किया जाता है। GNWL के कंफर्म होने का चांस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जहाँ से ट्रेन शुरू होती है वहाँ सबसे ज्यादा बर्थ मौजूद होते हैं। फिर है RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। RLWL पैसेंजर्स को तब दिया जाता है जब टिकट पहले या आखिरी स्टेशन को छोड़कर बीच में किसी दो आसपास के स्टेशन के लिए बुक किया जाता है। GNWL की तुलना में इन स्टेशन के टिकट कंफर्म होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आमतौर पर बीच के स्टेशनों के लिए कोई कोटा नहीं होता है। फिर है PQWL यानी कि पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। PQWL किसी लंबी दूरी की ट्रेन में बीच के स्टेशनों पर चढ़ने वाले पैसेंजर्स को दिया जाता है। इस टिकट के भी कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर आता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि तत्काल बुकिंग में कंफर्म टिकट ना मिलने वालों को दिया जाता है, ऐसे टिकट के कंफर्म होने की उम्मीद ना के बराबर होती है, क्योंकि रेलवे के पास इसके लिए अलग से कोटा नहीं होता है। इसमें पैसेंजर्स के लिए टिकट कैंसिल कराने की उम्मीद भी ना के बराबर होती है। फिर आता है RSWL यानी कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ये जब कोई टिकट ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से उसके पास पड़ने वाले स्टेशनों के लिए टिकट बुक कराया जाता है तो उस टिकट पर RSWL कोड लिखा जाता है। ऐसे टिकट भी कंफर्म होने की संभावना बहुत कम रखते हैं। क्या आप ऐसे किसी भी कोड्स के बारे में इससे पहले जानते थे? तो हमें कॉमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर दें।